दोस्तों आज की वीडियो देख लो, काफ़ी नॉलेज इसमें से मिलेगा। आपके इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर होंगे, आप साइट पे जाओगे, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकली काम आएंगी। तो वीडियो जो स्टार्ट करूंगा मैं, आपको एक टैंक की कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी जो ट्रेपेज़ॉइडल लगा लो बेस एक तैयार किया जा रहा है, उसके ऊपर राफ्ट आएगी, तो उस बेस को तैयार कैसे किया जाता है, क्या चीज़ें होती है, थोड़ा मैं आपको एक विजिट करवाने वाला हूँ साइट की। उसके बाद हम सामने, आप देख रहे हो ये जो हमारी PDF लगा लो इसको, क्योंकि ये हमारे क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें ITPs में आज मैं आप बताने वाला हूँ। तो पहले हम कर लेते हैं जो हमारा टैंक की प्रिपरेशन हो रही। देखो डे वन, देखो हुआ क्या, क्या किया जा रहा है यहाँ पे, जो बेस बनाया जा रहा है राफ्ट के लिए, क्योंकि टैंक की यहाँ कंस्ट्रक्शन की जा रही है। वाटर टैंक बहुत बड़ा वाटर टैंक है और उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा और कॉर्नर्स पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जो पानी का दबाव पड़ता है वो कॉर्नर्स पे पड़ता है। तो इसलिए क्या किया जा रहा है, जो बेस तैयार किया जा रहा है वो किस हिसाब से किया जा रहा है, एक ट्रेपेज़ॉइडल फॉर्म में किया जा रहा है। तो इधर दिक्कत क्या आती है ट्रेपेज़ॉइडल फॉर्म बनाने में, तो इसमें स्लोप देनी पड़ती है चारों तरफ, क्योंकि ट्रेपेज़ॉइडल जो शेप होती है आपको पता है, ऊपर हमारा रेक्टेंगुलर होगा, बाकी स्लांट हाई स्लांट में से स्लोप होगी और उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है। मेंशन तो ये होता है, हर चीज़ ये मेंशन होती है किस पे, ड्राइंग पे मेंशन होती है, लेकिन दिक्कत यहाँ दिक्कत आ सकती है कि आपको कितनी उसमें जब कंपैक्शन की जाती है तो कई जगह से डाउन हो रहा है, कई जगह से ऊंचा हो रहा है, तो उस दौरान आपका कंक्रीट PCC ज़्यादा जा सकता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी। और ऑटो लेवल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे ऑटो लेवल की हेल्प से इसको पूरा जो डाउन पोर्शन है वहाँ लेवल देखा जाता है, जो अपर पोर्शन है वहाँ लेवल देखा जाता है। जब एक बार इसकी PCC हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे स्टील बांधा जाएगा, राफ्ट बांधी जाएगी, अप्रॉक्स 75 टन की राफ्ट यहाँ होने वाली है, स्टील इसमें डलने वाला है। उस पर अगर वीडियो चाहिए होगी आप कहना, मैं ज़रूर वीडियो दिखाऊंगा। आपने स्टार्टिंग में उसकी ड्राइंग भी देखी होगी कि ड्राइंग कैसी थी, उस पर पूरा ऐसे स्लांट हाइट दिखाई थी। तो इस यहाँ पे किया जा रहा है ऑटो लेवल की हेल्प से, यहाँ स्लोप की जा रही है, उसके बाद कॉम्पैक्शन होगी। तो ये थोड़ा सा पोर्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, आप कंटिन्यू देख लीजिए, उसके बाद हम मेन जो टॉपिक आज का हमारा है इंटरव्यू प्रिपरेशन, वो आपको करवाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें से हमें क्या सीखने को मिल रहा है। जो भी कंक्रीट होगा उसको आपको 60 मिनट के अंदर कंज्यूम करना होगा, मतलब जब वो बनना स्टार्ट हुआ कंक्रीट, जब उसमें सैंड वाटर सब मिक्स हुआ, तो उसके विद इन 60 मिनट आपको वो कंप्लीट करके खत्म करना पड़ेगा। अगली चीज है, जो भी कंक्रीट का मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो 35 डिग्री होगा, उसका टेम्परेचर चेक का मैं वीडियो लाऊंगा जल्दी टेस्ट करते हुए, और मिनिमम 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, और टिपिकल भी हमारा वो आता है। और स्लंप जो आप यूज करोगे वो स्लंप आपका 90 से 125 mm तक आपका स्लंप होना चाहिए। तो ये होता है हमारा कंक्रीट रिसीवल का, जब भी आपका RMC चीज कंक्रीट आता है उसमें ये चेक आपको चीजें करनी होती हैं, कंक्रीट का टेम्परेचर ये सब चीजें चेक करके आपको उसमें अच्छे से फिलअप कर देना होता है। अगली चेकलिस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है हमारी बैक फिलिंग और फाउंडेशन बिल्डिंग, मतलब जब हमारी एक्सकवेशन हो जाती है और उसमें हमें मिट्टी डालनी होती है, फिलिंग करनी होती है, तो उसमें आपको एज ए सिविल इंजीनियर क्या क्या चेक करना है। सबसे पहली चीज, जो भी आप उसमें मिट्टी डाल रहे हो वो देखना है कि कहीं ब्लैक कॉटन सॉइल तो नहीं है, मोरम आपको यूज करनी है हमेशा फिलिंग में, कोइजिव सॉइल नहीं होनी चाहिए, कोइजिव लेस सॉइल आपको हमेशा फिलिंग मटीरियल में यूज करनी चाहिए, क्योंकि कोइजिव मटीरियल अगर हम यूज करेंगे तो बाद में उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन होगी, जैसे उसको पानी लगेगा या गर्मी होगी तो आपके घर में क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट चीज, ग्राउंड वाटर का लेवल आपको चेक कर लेना है कि अगर जहां पे आपकी फुटिंग आ रही है उधर से कितना नीचे ग्राउंड वाटर लेवल है, ये तो टेम्पररी चीज है, आप इसको नहीं भी चेक करोगे अलावेबल है चलेगा। नेक्स्ट चीज आपको चेक करनी है जो TBM है, टेम्पररी बेंचमार्क, वो मतलब उधर है जिसकी रेफरेंस से आप एक्सकवेशन करवा रहे हो वो सही है कि नहीं, क्योंकि TBM ही हमारा होगा, फुल ग्राउंड लेवल FGL ले लो या TOC ले लो, कोई भी है वो रेफरेंस से हमें एक्सकवेशन करवानी है वो आपको वहां है कि नहीं है। और जो भी आपका बेस आएगा, मतलब एक्सकवेशन आपने एक्सकवेट करवा दिया, नीचे कोई भी पत्थर वगैरह या डेब्रिस नहीं होनी चाहिए। अगली चीज है,
आपका जो भी कम्पैक्टिंग इक्विपमेंट है, मतलब आपने एक्सप्रेशन करवा ली, ड्रेसिंग करवा दी, फिर आपको उसको कम्पैक्शन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, मतलब फिलिंग कर ली और लेयर वाइज उसमें कम्पैक्शन करनी पड़ेगी, मतलब 200 से 300 एमएम की लेयर हमें डाल के उसकी कम्पैक्शन करनी पड़ेगी। वहां रोलर या कम्पैक्टर अवेलेबल है नहीं वो भी आपको चेक कर लेना। आपको वहां पे अगर एटीटी का है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का है करवाने को, तो आपने एटीटी कर लिया है नहीं कर लिया ये भी आपको चेक कर लेना है। अगली चीज है, अगर वो कोई स्ट्रक्चर है, मतलब वहां, मतलब हमने फुटिंग बना दी, बीच में फुटिंग आ गई और साइड में उसकी फिलिंग होने वाली है, उसमें वाटरप्रूफिंग अगर करवानी है तो वो मेंशन होगी अगर ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपने करवा दी है नहीं, वो भी आपको चेक कर लेना है। फिर अगली चीज है प्रोटेक्टिव लेयर फाउंडेशन को अगर करवानी है, मतलब क्यूरिंग हो गई उसके बाद उसमें प्रोटेक्टिव लेयर जो टार मारते हैं, टारकोल चारकोल, वो मार दिया है कि नहीं, वो भी आपको चेक कर लेना है, क्योंकि बिटुमेन का लेयर भी आता है, टारकोल का भी आता है, वो आपको चेक कर लेना है। अगर कोई भी फुटिंग का जहां फिलिंग हो रही है उसकी आपको क्या चेक कर लेना है, उसमें जो भी कोई हनीकॉम्ब आया या कोई रिपेयर आया वो प्रॉपर से रिपेयर कर दिया नहीं कर दिया, ये भी आपको चेक कर लेना है। और फिलिंग के टाइम आपको 200 एमएम की मैक्सिमम लेयर डालनी है, 200 एमएम से ज्यादा लेयर उसमें कम्पैक्टिंग लेयर नहीं डालनी है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगली आपको जो चेकलिस्ट है वो है प्री एक्सकवेशन चेकलिस्ट, मतलब एक्सकवेशन से पहले आपको क्या क्या चेक करना होता है। तो जो भी टीवीएम में, जैसे मैंने कहा टोटल बेंचमार्क वो सेट है, उसके जो रेफरेंस पॉइंट है उसके रेफरेंस पॉइंट से हमें चेक करना होता है कि रेफरेंस पॉइंट वो है, वो सही है कि नहीं। अगली चीज है सॉइल इन्वेस्टिगेशन, आपको अगर कहा है चेक करना है कि सॉइल नीचे कैसी है, जोन टू आ गया, फोर आ गया, थ्री आ गया, फोर आ गया, वो देख लेना है कि नहीं। अगली चीज साइड क्लीनेस, मतलब साइड पे जो भी पेड़ है या मटेरियल है वो अच्छे से हो गया कि नहीं। फिर अगली चीज आपको एज ए सिविल इंजीनियर चेक करनी होती है कि जो भी एक्सकवेशन एरिया है वहां कोई पहले से अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर तो नहीं है, वो भी आपको एज ए सिविल इंजीनियर चेक कर लेना है। अगली चीज है ग्राउंड वाटर लेवल आपको चेक कर लेना है और ग्राउंड वाटर कंट्रोल। फिर नेक्स्ट चीज है आपको जो भी आप एक्सकवेशन करवाओगे उसमें प्रॉपर स्लोप बनाई गई है कि नहीं, मतलब पूरी स्लोप के साथ एक्सकवेशन करवानी है। अगर डीप जाओगे, अगर डायरेक्ट खड्डा होगा, मतलब स्लोप नहीं होगी, तो उसमें मिट्टी गिरने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, ये चीज भी आपको एज ए सिविल इंजीनियर चेक करवा देना। अभी अगली चीज आपको जो है चेकलिस्ट है वो है कंक्रीट ब्लाइंडिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट, मतलब हम जिसे प्लेन सीमेंट कंक्रीट भी बोलते हैं, पीसीसी बोलते हैं, तो उसमें आपको चेक कर लेना है जो भी हमने एक्सकवेशन करवाई थी जहां हमारी पीसीसी आने वाली है वो प्रॉपर लेवल पे है कि नहीं है। नेक्स्ट, अगर वहां पे एटीटी या पॉलीथीन शीटिंग करनी है वो प्रॉपर आपने कर दी है नहीं कर दी है, ये भी ऐसे सिविल इंजीनियर आपको चेक करनी है। फिर आपको जिसमें पीसीसी होने वाली है उसका पिट का साइज और ब्लाइंडिंग की डायमेंशन मार्क की गई है, 75 mm, अगर मतलब 300 का बीम आता है तो हमें थोड़ा ज्यादा 75 mm ज्यादा लेनी होती है, तो 300 प्लस 75 हो गया, मतलब 450 की हमारी पीसीसी है कि नहीं और उसकी जो थिकनेस वो 75 mm है कि नहीं, ये भी आपको चेक करना है। और जब पीसीसी हो रही हो, जब कंक्रीट पड़ रहा है पीसीसी का, तो आपको देखना है जो मटेरियल है वो विदाउट सेग्रीगेशन के आपको डालना है, मतलब 1.5 मीटर से ज्यादा हाइट से आपको उस मटेरियल को नहीं फेंकना है जहां पीसीसी करनी है। अगली चीज है आपको पीसीसी का ग्रेड चेक कर लेना है, M10 है, M7.5 है, M15 है, जो भी ग्रेड का है वो चेक होना चाहिए, सही होना चाहिए। और जो भी आप पीसीसी करोगे 60 मिनट के अंदर आपको उसकी मिक्सिंग और पोरिंग भी करनी है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और अगर क्वालिटी हमें चेक करनी हो, मतलब जो हमारी पीसीसी हो रही है वो प्रॉपर से उसकी होनी चाहिए, और अगर जरूरत पड़े आपको वहां वाइब्रेटर करके उसको अच्छे से कर देना है। अगली चीज आपको चेक करनी है, जो भी आप प्लेसिंग करोगे कंक्रीट की वो सेग्रीगेशन के बिना होनी चाहिए और जो रिक्वायर्ड लेवल है वहां तक आपकी पीसीसी आनी चाहिए। अगली चीज है आपको प्रॉपर जो प्लेसमेंट और कंपैक्शन करनी है, मतलब आप जो पीसीसी डालोगे वो प्रॉपर से डालनी है और उसके अच्छे से कंपैक्शन ही करनी है। अगली चीज है आपकी जो वेट क्यूरिंग है, क्यूरिंग जो 7 दिन होनी है वो आपको चेक करते रहना है, और ब्लाइंडिंग कंक्रीट टॉप लेवल जो भी आता है वो आपको देख लेना है वो टॉप लेवल है कि नहीं। अगली चीज है आपकी एक्सकवेशन बेस एंड कंफर्मेशन, जो आपने एक्सकवेशन की है उसका बेस का आपको चेकलिस्ट क्या करनी है, क्योंकि जब एक बार बेस हो गया पीसीसी हो जाएगी, फिलिंग हो जाएगी, पता नहीं चलेगा, तो उसमें आपको चेक करना है जो भी हमारी क्या है एक्सकवेशन बेस रिकॉर्ड, तो जो भी एक्सपेक्टेड पिट है जिसकी अगर फुटिंग की आपने एक्सकवेशन की है तो उसका जो साइज है, डायमेंशन है, कोऑर्डिनेट है वो प्रॉपर है कि नहीं है, ग्राउंड वाटर लेवल चेक कर लेना है। फिर आपको जो भी अनसुटेबल लूज फॉरेन मटेरियल होगा उसको रिमूव कर देना है। फाउंडेशन का बेस आपको देख लेना है कि स्पेसिफाइड जो जोन का है, अगर जोन 4 का है, हमें जोन 4 तक एक्सकवेशन करनी है, तो जोन 4 है या 3 है या 5 है या 6 वो आपको चेक कर लेना है। फिर आपको कंपैक्शन टेस्ट जो होता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से, FDD टेस्ट या कोर कटर से, वो आपको चेक कर लेना है।
फिर ये बेसिक चीजें थी, ये आपको चेक करनी ही करनी है जब भी आप काम करवाओ। और एज ए साइट इंजीनियर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है, कोई भी काम हो रहा है उसकी आपको चेकिंग प्रॉपर से करनी ही करनी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो चेकलिस्ट पे, और आई होप आपको पसंद आया होगा। और ये आपको हमारे वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी जल्द चेकलिस्ट मिल जाएंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और हमारे जो दूसरा चैनल सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स, वहां जॉब्स के अपडेट लाता रहता हूं वो भी देखो, और साइट पे जो सिविल साइट विजिट वेबसाइट है उस पर विजिट करो। स्पेसिफिकेशन है, जॉब्स है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, काफी चीजें हैं उस चैनल उस वेबसाइट पे, आपको विजिट करना चाहिए। डेली जॉब अपडेट ला रहे हैं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो जो चीजें आपको चाहिए, और वीडियो जरूर लाइक करना अगर आपको पसंद आती है। थैंक यू गाइस।